हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नीलूज किचन। तो आज मैं आपको सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करिए। आज मैं आपको मेरे स्टाइल से मेथी फ्राई बना के दिखाने वाली हूँ और वो बहुत टेस्टी भी लगेगी और बहुत पौष्टिक भी है। चलिए चलते हैं फिर किचन में। बहुत ईजी है गाइस, इसमें बहुत कम चीज़ें डलती है और फटाक से बन जाती है। हमें लहसुन लेना है, मेथी फ्राई है तो लहसुन ज़्यादा लगेगा, तो मैंने कम से कम 20 से 25 ले लिए हैं ये कलियाँ इसकी लहसुन की। 3 से 4 लाल मिर्च ले लिए खड़ी, क्योंकि हमको इसको कूट के डालना है। और ये पीनट्स लिया है, मूंगफली ली है और ऑयल लिया है, सॉल्ट है और मेथी है। सबसे पहले हमें ये लहसुन जो है इसको कूटना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है, इसको कूटना है। और ये लाल मिर्च के साथ, अगर आपके यहाँ वो पत्थर वाला सिल वगैरह है तो उस पर भी कूट सकते हैं। और इसमें नमक के साथ इसको कूट लें, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसको हम ऐसे कूट लेंगे। ये देखो, ये ऐसे कूट गया है लहसुन और लाल मिर्च और नमक, ये तीनों एक साथ ऐसे हम लोग, हमें पेस्ट नहीं बनाना है, ऐसे कुटा हुआ करना है। अब इसके बाद हम ये भुनी हुई मूंगफली, मूंगफली भुनी हुई लेना है और इसको क्रश करना है, ना कि इसका ग्राइंड करके पाउडर बनाना है। हमें इसको इस टाइप से क्रश करना है, इस टाइप से। अब ये मूंगफली को मैंने ऐसे क्रश कर लिया है और ये हमारा ये लहसुन का ये तैयार हो गया है चटनी टाइप की। अब मैं गैस चालू करूंगी और इसमें ऑयल डालेंगे। मेथी फ्राई है तो थोड़ा ऑयल ज्यादा लगेगा। हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम ये लहसुन का जो चटनी बनाई थी वो हम छोड़ देंगे। बहुत इजी है और बहुत जल्दी भी बन जाती है और हेल्थ के लिए ना मेथी बहुत अच्छी होती है। हमें हफ्ते में 2 या 3 बार मेथी जरूर खाना चाहिए, बहुत जरूरी है मेथी खाना। लहसुन को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गरम तेल में डालेंगे और आधे मिनट के लिए ही चलाएंगे। और उसके बाद इमिडिएटली ये भुनी हुई मूंगफली का जो हमने क्रश किया हुआ था ये डाल देंगे बस। और बस थोड़ा सा चलाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वो भुनी हुई है। और इसके बाद हम मेथी डाल देंगे इसमें। मेथी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसको हम 5 मिनट के लिए, 4 या 5 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं, क्योंकि मेथी है तो इमिडिएटली पक जाती है वो। हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख देंगे। 3 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा हम इसको चला देंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी है, तो वो भी 2-3 मिनट और रखेंगे जिससे कि वो सूख जाए। मेथी पक चुकी है, तैयार हो गई है, ज़्यादा नहीं पकानी है, 5 से 6 मिनट ओनली। अब मैं इसको गैस बंद कर देती हूँ और इसको एक बाउल में सर्व कर लेती हूँ। देखा गाइस, कितनी अच्छी बन गई है मेथी मेरी, बहुत अच्छी बन गई है। और आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं। हफ्ते में 2 बार या 3 बार मेथी खाना चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।